वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने भूतियापा के प्रीवियस एपिसोड्स एपिसोड 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं, हम नहीं जाने वाले बीड़ी फूंक के। अबे लौंडिया ऐसा नौटंकी क्या कर रहा है बे? चल ना मेरे साथ में, हम अकेले जाएंगे क्या बे? अबे मेरा हार्ट फेल होने ही वाला था, बच गया बीड़ी फूंक के। अबे समझ रहे हैं भाई, गांड मेरा भी फटा था। साला ये भूत तो कंजरिंग वाला भूतनी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो साला रात में 2-3 बजे आती है, ये तो बेटा दिन दहाड़े सबको फेर रहा बीड़ी फूंक के। अबे यार देख भाई, हम इतना जल्दी मरना नहीं चाहते। अभी मेरे को बैंकॉक जाके मसाज करवाना है, जॉनी भैया से टिप्स लेना है, मियां खलीफा के साथ डेट पे जाना है, और लाइफ में कम से कम एक ठो रशियन गर्लफ्रेंड भी बनाना है। रशियन गर्लफ्रेंड? मोजड़ी के यूक्रेन जैसा गांड फाड़ देगी तेरा, फिर क्रेन से उठाना पड़ेगा। अबे तो क्या हुआ, हम भी तो बुलडोजर रखे हैं, चला देंगे उस पे बीड़ी फूंक। देख आखिरी बार पूछ रहे हैं, जाएगा कि नहीं साथ में? साफ शब्दों में नहीं। साले दिखा दी ना अपनी औकात, अगली बार आना कोई लड़की का नंबर मांगने के लिए मेरे पास। अबे कौन सा लड़की का नंबर दिया भाई तू मेरे को? अबे हरामी, आज तक जितना भी लड़की घुमाया है ना, उसमें से कम 8-10 का नंबर ना हम ही लाके दिए हैं, समझा? हाँ, और वही 8-10 मेरा चूतिया काट के गई है बीड़ी फूंक। अबे तुम तो पैदा ही चूतिया हुआ था बे। ज्यादा बोल रहा तू बीड़ी फूंक के। ज्यादा क्या बोल रहे हैं बे? हाँ, जब तेरे पास ओयो जाने का पैसा नहीं होता था, तब तेरे को पापा से छुपा के हम पीछे का दरवाजा से अपना रूम में घुसाते थे। मेरा पूरा बेड पैसा ले तुम पिचकारी मार के जाता था। फिर जब हम आके बेड पे बैठते थे, पूरा साला बेडशीट मेरा पैंट में चिपक जाता था। तुम साला अंदर में IPL खेलता था, हमको बाहर में टेस्ट मैच जैसा कंटिन्यू खड़ा होकर पहरा देना पड़ता था। भूल गया सब कुछ, मेरा लैंड का पहरा देता था, हर बार साला अंकल आके पकड़ लेते थे, फिर साला अपने ही गर्लफ्रेंड को कजन सिस्टर बनाना पड़ता था। और फिर अंकल बोलते थे, तेरा बाप का तो कोई भाई है नहीं, तेरा माँ का तो कोई बहन है नहीं, तो इतना सारा कजन सिस्टर कहाँ से पैदा कर रहा है तू? और हम क्या यहाँ फ्रॉक पहन के डांस करते हैं, जो तुम बेटा दिल्ली वालों को मेरा घर दिखाने के लिए लेके आ जाता है? देख हमको पता है तुम साथ में चलेगा, इसलिए फालतू को बकचोदी करके वीडियो लंबा मत करो, ठीक है? अरे भाई ऐसे कैसे चल जाएगा लड़ा, कुछ प्लान तो बनाओ। जैसे पार्क में नहीं तो सबको पेल रहते ना अंकल, वैसे हम लोग को पेल कर रख देंगे ना। नहीं पेलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रेट हैं। अबे चूत, क्योंकि हमने उनसे पूछा, सवाल किया, बात करने की कोशिश की। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ उन पे चिल्ला रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। इसका मतलब अगर हम लोग जाके अंकल के साथ बकचोदी करेंगे तो हम लोग को पता चल सकता है कि ये भूत है कौन मोजड़ी का। एग्जैक्टली। और ये भूत किससे और किस चीज का बदला लेना चाहता है, हमें इस चीज का भी पता लगाना होगा। भूत लोगों का भी लड़ा अलग है, नौटंकी है नहीं, जब देखो लड़ा बदला ही लेना है लोगों को। कौन जमाना है बेटा, 100 साल पहले लोगों का फैमिली का कोई मर्डर उर्डर किया होगा, जमीन ज्यादा सब ले लिया होगा, उसके चक्कर में साला भटक रहे मारे, बदला लेंगे बदला लेंगे। अरे भाई कि नहीं बे, ये नहीं कि बेटा स्वर्ग में जाके अप्सरा लोगों को पहले फालतू में साला भूत बन के इसका उसका गाना में घुसते। आई डोंट नो कि इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, को बचाएंगे जरूर यार। अरे भाई तू टेंशन मत ले, इस भूत की ना गांड तोड़ देंगे बीड़ी फूंक के। एंड आई हैव अ बैकअप प्लान। कौन सा प्लान? हाय फ्रेंड्स। अरे पिंकी, अरे भाई इसके दादाजी ना बहुत बड़े तांत्रिक थे, झटका वाल तोड़ के हवा में जला देते थे, भूत भाग जाता था। अबे तो पहले बोलता ना, हम पूरा आज शेप मार लिए। ओह नो। क्या यार, कोई बात नहीं, पूरे बदन में कहीं का भी बाल चलेगा। इधर बाप पे भूत चढ़ा हुआ है और तुम बेटा झाट छिल गया। अरे भाई भूत अपनी जगह, चूत अपनी जगह, जहाँ मिले मारो। अरे जल्दी करो ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एकदम ना हॉरर मूवी का हीरो वाला फीलिंग आ रहा है बे। नहीं? मेरे को तो बोर्ड एग्जाम वाला फीलिंग आ रहा है, गांड भी फट रहा है, एक्साइटमेंट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अकेले मत देखिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अगले एपिसोड में।